सारे यूनिक थॉट्स और आइडिया उधर यूटीवी मार्केटिंग के हमारे नहीं है, पृथ्वीश गांगुली के। बट कभी आप लोगों ने डब्बा वालों की तरफ से इस तरह की सर्विस आपने कभी अपनी लाइफ में ली है? कभी मैंने की है, मैंने ली है। मुंबई का डब्बा वाला फेमस है। मुंबई का डब्बा वाला का मैजिक ये है कि खाना कैसे सही जगह से सही जगह पहुंचता है और कभी फेल नहीं होता, वो कमाल है, वो एक जादू है। आपने कभी ट्राई किया? हाँ बिल्कुल ट्राई किया है, स्कूल के दौरान ट्राई करते थे और कॉलेज में भी ट्राई किया है। जब कोई घर पे होता नहीं था, यू नो, मम्मी डैडी बाहर जाते थे आउट ऑफ टाउन, फिर डब्बा वाले से खाना मिलता था, सो ऑब्वियसली ट्राई किया है। मैं जब नई नई बम्बई आई थी दिल्ली से, तो मैंने डब्बा ही लगवाया था और काफी एक पूरे साल मैंने डब्बे का खाना खाया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज सबके प्रेफरेंस क्या होते थे खाने में, वेज या नॉन वेज? मैं तो भाई नॉन वेज। नॉन वेज, नॉन वेज। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने नॉन वेज मंगाया और वेज आ गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, हम लोग तो सर्विस किसी खाना भेजने वाली एक लेडी होती थी जो भेजती थी दादर से। अच्छा अनुराग, हम देख रहे हैं टैग लगा हुआ है चिकन फुराना का, ये कब तक चलेगा? क्या डेली डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट होगा चिकन फुराना पर काफी समय तक होगा। सिर्फ डब्बों में यही होगा कि खाना भी डिस्ट्रीब्यूट, बाकी खाना भी, बाकी इसके अंदर एक्चुअली चिकन फुराना भी होगा। इसे मैजिकल डब्बे के अंदर मैजिकल चिकन फुराना होगा और उसकी जो रेसिपी है वो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन एक बार आपने चिकन फुराना खा लिया फिर आप खुद ही और ले जाओगे। उनका क्या? उनके लिए पनीर होगा, उनके लिए पनीर खुराना। ग्रेवी सेम होगी, रेसिपी सेम होगी, लेकिन पनीर पनीर होगा चिकन की जगह। आपको क्या लगता है इस यूनिक स्ट्रेटेजी से, मार्केटिंग से लोगों के बीच में ये फिल्म ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगी और लोग आएंगे, इससे क्या बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, लोग अवेयर होंगे, अवेयरनेस सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अवेयरनेस के बाद वो सिनेमा तक जानेंगे, क्यूरियस होंगे और होपफुली सिनेमा तक भी आएंगे। नहीं नहीं, मैं तो हम लोग के गाने पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। प्रमोशन करने ये लोग पहुंचेंगे। एक बात है, आपकी फिल्म के साथ 1920 रिलीज होगी, कहीं ना कहीं कड़ा कॉम्पिटिशन होगा, उसको किस तरह से देखते हैं? सर देखो, अलग अलग पिक्चर है, अलग अलग जोन में, हर तरह की फिल्म लोग आजकल देख रहे हैं, तो उसके बारे में इतना सोचते नहीं होंगे। All right, thank you.